सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे बेस्ट फ्रेंड डेल G5 SE के बारे में, क्योंकि भाई इसका प्राइस काफी कातिल है एंड कंपेयर टू अदर घमंडी लैपटॉप्स इट्स द बेस्ट वन। एंड बिग न्यूज इज कि ये अपने पुराने प्राइस में वापस आ चुका है फ्लिपकार्ट पे एट 77,000 फॉर 4600H प्लस RX 5600M GPU एंड एट 89,000 फॉर 4800H प्लस RX 5600M GPU। एंड दोनों ही नाउ कम्स विद 120Hz स्क्रीन, NTSC, sRGB ये सब सेम ही है पुराने की तरह। एंड मेरे हिसाब से ये लॉन्च होने के बाद में बड़ा ही जबरदस्त कंपटीशन आने वाला है मार्केट में इन फ्यूचर, क्योंकि प्रोसेसर के बारे में कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। इवन GPU इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, अप्रॉक्स सेम मे बी थोड़ा कम देन RTX 2060 विदाउट रे ट्रेसिंग। बट एक बात डेल को ये समझना जरूरी है कि उनका जो लास्ट टाइम सेल हुआ था दैट वॉज बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड कॉन्फिगरेशन दे वेर प्रोवाइडिंग, एंड जो उनका सेल बंद हो गया था दैट वॉज बिकॉज ऑफ द हीट, ना कि 60Hz स्क्रीन। वैसे 60Hz का भी असर था बट इतना नहीं जितना हीट की वजह से था। सो आई वुड से कि इस बार जो डेल ने 120Hz मॉडल लॉन्च किया है वो कुछ लोगों को तो शायद सेटिस्फाई कर पाएगा, बट क्या उसके हीट का कुछ जुगाड़ डेल ने लगाया है या फिर आज भी ये लैपटॉप रिकमेंडेड ओनली फॉर येती एंड हिम मानव प्रजाति के लिए ही है, ये क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं दिया गया है। एंड इट्स रियली सैड, मुझे सीरियसली बहुत दुख हो रहा है इस लैपटॉप को ना रिकमेंड करने में, बिकॉज आप लोगों को कम प्राइस में जो कॉन्फ़िगरेशन ये दे रहा है वो कोई और लैपटॉप फिलहाल नहीं दे रहा है। सी लैपटॉप तो आपको मिल जाएगा भाई, बट ये इतना उबलेगा कि एटलीस्ट दाल तो पकाई देगा आपके घर का। वैसे कई अपडेट्स आए हैं इस पे, लाइक BIOS 1.3 अपडेट, ड्राइवर अपडेट, बग फिक्सेस एंड ऑल। डेल ने ये दिया है टू रिजॉल्व इशू। कुछ लोगों का कहना है कि ये इशू थोड़ा रिजॉल्व भी हुआ है, अभी रैंडम क्रैशेस नहीं होते हैं कुछ केसेस में एंड हीट भी थोड़ा अंडर कंट्रोल है। इवन ऑन परफॉर्मेंस मोड विथ हायर पावर सप्लाई भी इसका हीट अप्रॉक्स 80-85 तक ही जाता है। सो आई गेस अगर ये सच है तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, बट ये अपडेट मुझे कुछ लोगों से ही मिला है, सो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही है एंड कितना गलत है एंड आपको ये लेना चाहिए फिलहाल या नहीं लेना चाहिए। सो आप में से कोई G5 SE का ओनर्स है तो प्लीज अपडेट अस बिलो ऑन कमेंट सेक्शन टू हेल्प कम्युनिटी। वैसे अगर ये हीट फिक्स हुआ है देन बॉस डोंट थिंक एनीवेयर एल्स, जस्ट बाय दिस लैपटॉप। कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम है कि इसका बिल्ड प्लास्टिक का है, नो डाउट सही है, बट थोड़ा केयरफुल अगर आप यूज करोगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन ये देगा बॉस ये RTX के लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है एंड उसके लेवल का परफॉर्मेंस भी देगा आपको विद AMD Renoir प्रोसेसर। प्लस लास्ट टाइम ड्यू टू AMD स्मार्ट शिफ्ट कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, सो मेरे लिमिटेड ज्ञान के हिसाब से स्मार्ट शिफ्ट बेसिकली आपके पावर को शिफ्ट करता है जहां ज्यादा रिक्वायर्ड है। लाइक अगर हाई एंड गेमिंग खेल रहे हैं एट हायर रेजोल्यूशन देन आपको GPU का रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, देन स्मार्ट शिफ्ट विल ट्रांसफर द पावर लिमिट मोर टू GPU देन टू CPU एंड CPU को कम पावर सप्लाई देगा बेस्ड ऑन यूज। सो वेरी सिंपल, अगर GPU को ज्यादा पावर मिलेगा तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट एट द सेम टाइम जितना पावर सप्लाई मिलेगा उतना क्लॉक स्पीड बढ़ेगा एंड GPU हीट भी करता जाएगा। सो ये एक इंडलेस लूप हो जाएगा। आप लैपटॉप को ठंडा कर रहे हो यूजिंग एक्सटर्नल फैंस और बर्फ भरा पानी, बट स्मार्ट शिफ्ट ठंडा है ये देख करके ज्यादा पावर सप्लाई करता है सो द परफॉर्मेंस और बढ़ सके, बट इन रिटर्न ये और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस स्मार्ट शिफ्ट ओनली एज पर फ्यू अदर बड़े भैयाज ऑफ YouTube 4800H वाले जो मशीन है वो गेमिंग परफॉर्मेंस में कम देता है rather than 4600H, because 4800H जो प्रोसेसर है उसको ज्यादा पावर सप्लाई चाहिए। स्मार्ट शिफ्ट अगर मिनिमम पावर भी इस CPU को सप्लाई करेगा then also 4600H से ज्यादा ही होगा। सो ये जो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई है जो 4600H में बच रहा है वो GPU को मिलता है, जिसकी वजह से GPU ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर। सो ये एक इशू है जो कि डेल ने अपने नए अपडेट में रिजॉल्व करने की कोशिश की है। इशू मीन्स स्मार्ट शिफ्ट का इशू, बट इसका कोई खास प्रूफ नहीं मिला है मुझे अभी तक। इवन आई गॉट वन अपडेट फ्रॉम वन ऑफ अवर फ्रेंड Zyrus YT, इन्होंने न्यू वन बाय किया है एंड एज पर हिम टेम्परेचर्स आर रियली गुड, नॉट क्रॉसिंग 90 degrees। सो आई विल डेफिनेटली हैव अ वर्ड विथ हिम पर्सनली एंड अपडेट ऑन कम्युनिटी पोस्ट। एक और न्यू टेम्परेचर रिलेटेड ऐप है इसमें विच इज Radeon Chill, जो कि जब गेम में कम मूवमेंट टाइम होता है लाइक वाइल यू आर स्नाइपिंग और जब आप किसी से डर के एक जगह छुपे हुए हैं एट द सेम टाइम स्क्रीन में कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है, तो इस समय आपका जो Radeon Chill है वो GPU को कम फ्रेम्स जनरेट करने के लिए सिग्नल्स भेजता है। कम फ्रेम जनरेट का मतलब कम पावर सप्लाई, सो दैट हीट भी कम हो जाता है। इट रियली वर्क्स वेल। नेक्स्ट थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन की ओर ध्यान देते हैं। 8GB ऑफ रैम अपग्रेडेबल अप टू 32GB, 512GB SSD विद एक्स्ट्रा SSD M.2 ड्राइव एंड 1 हार्ड डिस्क ड्राइव मिलेगा। 15.6 इंच 120Hz स्क्रीन विद वही 45% NTSC, रिस्पांस टाइम लास्ट टाइम वाले मॉडल में अप्रॉक्स 22 मिलीसेकंड था ग्रे टू ग्रे विद फ्री सिंक, दैट वाज फॉर 60Hz
हर्ट्ज स्क्रीन एंड इसके ऊपर का एक मॉडल था विच वॉज 144 हर्ट्ज पैनल, उसका रिस्पॉन्स टाइम वॉज 9.3 मिलीसेकंड ग्रे टू ग्रे। सो नाउ एज इन्होंने 120 हर्ट्ज से अपडेट किया है, आई गेस रिस्पॉन्स टाइम भी अपडेट किया होगा, वरना क्या फायदा ऐसे रिफ्रेश रेट को लेकर के। 51 वाट आर का बैटरी एंड कुछ पोर्ट्स। सो ओवरऑल आई नो इट्स बिट कंफ्यूजिंग स्टिल, बट अगर कोई ओनर्स आपके आसपास है या फिर दे आर काइंड इनफ टू अपडेट हियर ऑन कमेंट सेक्शन, देन आपको उनसे बात करके कंफर्म कर सकते हो कि भाई आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करंट कंडीशन क्या है। आई वुड से ग्रेट लैपटॉप, अगर हीट का कुछ अपडेट आता है देन डेफिनेटली फॉर दोज गाइज जिनका बजट 80,000 के अंदर है वो इसको लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर हीट का इशू का अपडेट कुछ नहीं है देन गाइज ये आप याद रखो कि प्रोसेसर एंड जीपीयू के साथ साथ ये बाकी कंपोनेंट्स को भी डैमेज कर सकता है एंड कंपेयर टू गुड कूलिंग सिस्टम लैपटॉप्स इसका लाइफ कम होगा। सो मेरे हिसाब से ये था डेल G5 SE का अपडेट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.